तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऑगी, जैक और शिनचैन को मैंने अपना वाटर हाउस दिखा दिया था, उनको बहुत ज़्यादा शानदार लगा था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप फ्लाइंग हाउस देखना चाहते हो कि नहीं, तो आपने सबने बोला था कि आप फ्लाइंग हाउस देखना चाहते हो, तो मैंने उस घर खरीद लिया है। तो आज की वीडियो में आपको अपना फ्लाइंग हाउस दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो अगर आपने अभी तक वाटर हाउस नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो पे फ्लाइंग हाउस देखने। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है GD5 की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और आप सबका स्वागत करता है। शिनचैन और चॉप अपने यहाँ पे मस्त मजे कर रहे हैं। अरे वेंकी भैया यार, क्या मजे आए यार आपके, तो अब तो अपन तो बिलियनेयर बन चुके हैं, अपने पास इतना पैसा है, अपन कितने मजे करते हैं, पर अपन वापस यहाँ पे क्यों आए हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी शिनचैन जल्दी बाहर आ, यहाँ पे अपनी कार आने वाली थी, डिलीवरी इधर थी इसलिए मैं इधर आया था ये लेने। अरे वाह फ्रेंकी भैया, क्या बढ़िया कार है, ये भी गोल्ड की लग रही है मुझे तो। अब यहाँ गोल्ड की, मैंने तो बोला था हर कार जो भी लेंगे अपनी गोल्ड की होगी भाई। मॉन्स्टर ट्रक लिए मैंने गोल्ड की, कितनी बढ़िया लग रही है, देख भाई क्या ड्रिफ्ट मारती है, इसे टायर देख तेज से डबल ट्रिपल है ये। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार, अरे चॉप को तो उधर ही छोड़ के आ गए हम। अरे वो आपने, मैं उसको बाद में लेते हुए जाएंगे, अभी अपन को फ्लाइंग हाउस देखने चलना है, एकदम बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो कैसे, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और हाँ, मुझे अभी यूट्यूब से फ़ोन आया तो उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा, आप भी देखो, ये देखो। तो आप देख सकते हो भाई 94% जनों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। भाई क्या कर रहे हो, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब तो कर दिया करो, ऐसे मत करो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके फटाफट से, देरी क्या लगती है, 10 सेकंड भी पूरे नहीं लगते। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो एकदम फटाफट से जाके यार, एकदम मजा आ जाएगा। फ्लाइंग हाउस देखने चल रहे हैं अपन, इसी खुशी में लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो कैसे, अभी हम आ चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर में, ये गोल्ड का नहीं है क्योंकि मुझे फ्लाइंग हाउस से पहले एक काम करना था, मेरे को याद आ, मेरे 2 मिनट का काम है, अभी जल्दी से जाके एक काम करना है अपन को, फिर फटाफट से अपन चलेंगे फ्लाइंग हाउस में अपने बढ़िया से। ऑगी और जैक को मैंने ही पहले उस लोकेशन में खड़ा कर दिया, वहां से हम सीधा उसको लेंगे ऑगी और जैक को, और वहां से निकल लेंगे सीधा फ्लाइंग हाउस के लिए, पहले अपन को भी चलना है। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये गया 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 गया, ये भी फ्लाइंग है पर ये फ्लाइंग हाउस नहीं है, ये एक फ्लाइंग बेस है हमारे दुश्मन का, तो अभी उनको मारना है अपन को। अभी पहले मैं उतार लेता हूँ अपने हेलीकॉप्टर को, फटाफट लैंड कराते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लैंड कर लिया, दुश्मन ने मुझे पता ही था ये मारने लग जाएंगे, इसलिए मैं अपनी वेस्ट पहन के आया था, गोल्डन वेस्ट, और शिनचैन को मैंने थोड़ा दूर खड़ा कर दिया है वहाँ पे, पहले इनको मारते हैं फटाफट यहाँ से। वेस्ट एकदम इनविजिबल है, मेरे को कोई गोली मतलब लगेगी पर मुझे कुछ असर नहीं होने वाला उस गोली से, पहले गन देखते कौन सी गन से मारूँ इन सबको, बहुत बुरा मारूंगा। ये बेस अपन रखने वाले, ये अपन के पास एक फ्लाइंग हाउस तो है ही, और अब ये फ्लाइंग बेस भी होने वाला है। अभी इन सबको मारेंगे मस्त, इनको पूरी सारी प्लेन व्लेन फोड़ेंगे इनके, फिर अपने प्लेन खड़े करेंगे यहाँ पे, बहुत तगड़े तगड़े, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पहले इनको फटाफट मारते हैं, मर गया क्या, अरे हाँ भी मर गया। तो और जाने देखते हैं, अभी नीचे एक और बेस है, देखो भाई कितना बड़ा बेस है ये, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनको मारना पड़ेगा, अपने सारे दुश्मन हैं ये, इनके बॉडीगार्ड्स यहाँ पे खड़े रहते हैं, इनको मारते हैं। इतनी गोलियाँ चलाए जा रहे फालतू में, एक मिनट रुको मैं कौन सी गन से मारूँ, कोई बढ़िया गन नहीं है यार, मेरे पास गोल्डन गन खरीदनी पड़ेगी। अभी जाऊँगा सारी गोल्डन गन खरीदूँगा यार, मज़ा आएगा। अभी नहीं, पहले फ्लाइंग हाउस दिखाएंगे फिर गोल्डन गन खरीदेंगे अपन आराम से। और ये मैं गया 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 गया, अरे अरे यार, अबे भाई खून निकल गया भाई, वेस्ट से गोली नहीं असर होता पर गिरने से तो होता है। इनको मारते, मरो 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 मरो, इनको बताता हूँ भाई यही खत्म है अभी, चलो किसी को नहीं छोड़ूंगा, मरो 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 मरो, मर जाओ 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 मर जाओ, मरो मरो, ये लो मरो मरो मरो, मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ, अरे मरो खत्म हो यार भाई, कितने सारे हैं ये भाई, मारो इनको मारो जल्दी, ऊपर आ गया, इसको भी फोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं, पर इस हाइड्रा में मज़ा आ जाएगा एकदम। तो वैसे अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, शिनचैन को मैंने बोल दिया था कि वो यहाँ से निकल जाएगा हेलीकॉप्टर लेके, अभी हम जाते हैं अपना हाइड्रा जेट को लेके, ये सिंगल सीट है वरना मैं शिनचैन को भी बिठा लेता, पर कोई बात नहीं, अपन चलते हैं। मॉन्स्टर ट्रक अपन को चाहिए नहीं क्योंकि आपको पता ही है, अपने पास इतना पैसा है कि अपन एक गाड़ी जिसमें बैठ जाते हैं उसमें दूसरी बार नहीं बैठते, तो इस जेट को भी अपन एक बार चलाएंगे फिर दूसरी बार नहीं चलाएंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ एक जेट और मैं भी ले लूँ यार, गोल्डन जेट लूँगा, मज़ा आएगा, वो भी और भी तेज चलेगा, क्या बढ़िया चल रहा है भाई। लॉस सेंटोस पहुँच भी गए अपन, थोड़ा दूर था क्योंकि वो, तो अभी हमें पहुँच चुके हैं, मस्त चल रहा है, गोल्डन जेट लेना ही पड़ेगा। और ये भाई 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 मज़ा आ रहा है भाई, इसमें स्टंट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो अब तो ये लेना ही पड़ेगा अपन को जल्दी जाके, आज ऑर्डर करूँगा इसको भी। अभी चलते फटाफट ऑगी जैक के पास, और शिनचैन भी उधर ही पहुँचेगा सीधा, तो जल्दी से पहुँचते हैं अपन। तो अभी मैं यहाँ से उतर रहा हूँ सीधा अपने बीच के, यहाँ पे ऑगी और जैक खड़े, तो यहाँ से कूद जाते हैं सीधा, ये गया अपना जेट, ये फटेगा जाके, अपन को कुछ मतलब नहीं है, अपने पास इतना पैसा है, अपन एक नया गोल्ड वाला जेट लेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मैंने पैराशूट से लैंडिंग कर लिए, और सीधा पैराशूट खोलते हैं और अपन पहुँच जाएंगे आराम से नीचे, थोड़ी मस्त ऐसे करेंगे स्टंट मारेंगे इधर यहाँ पे पैराशूट से, और यहाँ पे आ गए हम। अभी जल्दी ऑगी और जैक के पास चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपन फ्लाइंग हाउस के लिए, और हेलीकॉप्टर भी अपने लिए गोल्ड मंगवाया है फ्लाइंग हाउस जाने के लिए, क्योंकि अपने पास इतना पैसा है क्या करेंगे अपन पैसों का इतने। तो फटाफट चलते हैं, ये जना फालतू के बोल रहा था इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो फटाफट चलते हैं ऑगी और जैक के पास, कहाँ पे है वो पता नहीं, पर
तो गाइस अभी ये तीनों आ चुके हैं, शिनचैन भी आ चुका है, ऑगी जैक सब आ चुके हैं, और ये अपने लिए गोल्ड कार लेकर आ चुके हैं, ये मेरे लिए एक और कार लेकर आ जाए। मॉन्स्टर ट्रक को अभी वहाँ पर छोड़ के आए, तो इसमें चलते हैं फटाफट से। गोल्ड की कार है, पर गोल्ड से ज़्यादा मेरे को ये येलो लग रही है, पर कोई बात नहीं, गोल्ड की है मेरे को पता चल रहा है, आपको पता ही है, मेरे को पता ही है, और किसको पता करने देना है। तो फटाफट चलते हैं, शिनचैन भी बैठ चुका है, यहाँ से चलते हैं अपने फ्लाइंग हाउस की तरफ। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी कहाँ से निकलूँ, यहाँ से रास्ता एक तो, हाँ चलो यहाँ से रास्ता आराम से चलेंगे बीच से होते हुए एकदम बढ़िया से अपने फ्लाइंग हाउस में। हेलीकॉप्टर अपना बीच पे खड़ा ही है, तो फटाफट से चलते हैं अपन फ्लाइंग हाउस की तरफ, नहीं हेलीकॉप्टर की तरफ, फिर उधर से चलेंगे फ्लाइंग हाउस की तरफ। यहाँ से भाई गाड़ी तो बढ़िया चल रही है भाई, कितनी तेज़ चल रही है ये बढ़िया गाड़ी लाया यार। पर अपन वही है, एक गाड़ी चला लें, एक बार वापस नहीं चलाते, चलो कोई बात नहीं, अपन और गाड़ियाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को बिल्कुल भी पैसों की। तो और पर पानी में आराम से। ओ शिनचैन बूस्ट दबाइए, हाँ वापस आइए, बूस्ट दबा। ओए मजा आ गया, अरे फैंकी भैया यार मजा आ गया मुझे तो, अरे फैंकी मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, ओए मुझे भी मज़ा आ गया। तो इतनी देर से जैक और कुछ भी बोल नहीं रहे थे, अब ये बातें करेंगे क्योंकि इनको डर लग रहा था हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कि कैसे चलाऊंगा, पर अब इनको डर उतार दूंगा मैं अभी आराम से, अभी जैसे ही बैठेंगे। तो ये पिछली बार इनके हेलीकॉप्टर में बैठे थे, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर अब नहीं लगेगा क्योंकि मैं चला रहा हूँ हेलीकॉप्टर, पहले शायद ओगी चला रहा था इसलिए इनको डर लग रहा था। फटाफट से चलते हैं अपन, ओए ये तो बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर है, क्या चल रहा है, ओहो हो क्या स्पीड है, मज़ा आ गया। तो गाइस मैं भूल गया था कि मेरे को फ्लाइंग हाउस जाना है, वाटर हाउस नहीं, मैं गलती से वाटर हाउस चला गया था, मैं भूल ही गया, मैं रास्ता ही भूल गया। तो ये अपना चुका है फ्लाइंग हाउस भाई, ये देखो उड़ रहा है, थोड़ा पास जाएंगे अपन, यहाँ पे लैंड करेंगे पहले आराम से भाई, आराम से लैंड करना है, ऐसे नहीं कि अपन इधर उधर चले जाए और फ्लाइंग फूट नहीं जाए। हेलीकॉप्टर का फर्क नहीं है, पर अपने गए इधर फ्लाइंग हाउस को कुछ नहीं होना चाहिए, अपने आपको दिखाना है, मैंने आपको दिखाया नहीं है पूरा। तो आ चुके हैं, हमने लैंड कर लिया है, और तुमको कैसा लगा ये, ओए अभी तो आपने देखा भी नहीं है पर अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ओए अरे फैंकलिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करे, अरे फैंकी भैया यार ये तो मस्त उड़ रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर, अरे आप कहाँ जा रहे हो, अरे तुम देखो ना यार, मैं दिन को बता के आता हूँ सारा का घर। तो आप देख सकते हो मैंने अभी बॉडीगार्ड खड़ा रखा है, मैंने दो ही बॉडीगार्ड खड़े करे क्योंकि ऊपर तो कौन ही आया, कोई आ भी गया तो ये संभाल लेंगे, दो जने हैं बस, उनको गंदे रखी है। तो यहाँ पे अपने दो रूम है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक मतलब नहीं रखा है क्योंकि मुझे एक घर चाहिए जिसमें मतलब एकदम से नॉर्मल घर हो बिल्कुल। यहाँ पे अपने दोस्त खड़ा है, यहाँ पे दो घर और है अपने पास, सारे घर ऐसे बिल्कुल अमीरों वाले, ये थोड़ा मैंने ऐसा रखा है कि ऐसे नॉर्मल घर एकदम, यहाँ पे कोई भी आएगा आराम से। यहाँ पे मैंने पूरी से मान लो ऐसे सोसाइटी बना रखी है एकदम बढ़िया सी। तो फटाफट से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दो घर और है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप मस्त एकदम सीन आता है, यहाँ पे मैंने पता नकली घास से लगवा रखी है और यहाँ पे ऐसे ही लगा रखा है टाइम पास के लिए। यहाँ पे सब में एसी लगे हुए एकदम मस्त ठंडे मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ पे ये देखो और भी घर है बहुत सारे, यहाँ पे कुल मिलाकर चार या पाँच घर है, तो यहाँ पे बहुत सारे जने भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है एकदम मस्त मिनी सिटी ये नाम जैसे रख सकते हैं इसका, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे घर है। देखो यहाँ पे एक और घर है, इन जो ये जने यहाँ पे रहते हैं इन सबको मैं पैसे देता हूँ यहाँ पे रहने के लिए, अपने पास इतना पैसा है इनको इसलिए दे ही देता हूँ, क्या यार इनको मज़े करेंगे यहाँ पे बैठ के आराम से, ये बाहर बैठे आपस में बातें करते रहते हैं बिल्कुल एक सोसाइटी की तरह। और ये क्या है यहाँ पे, चूहे का बिल है क्या, अबे ये क्या है, नहीं को बंद है ये तो, मेरे को लगा खुला हुआ है ये। चलो यहाँ से चलते हैं एकदम पूरे, ये देखो इतना मस्त मैंने बनवा रखा है पूरी घास से पेरोकी से रॉक की कोई गिर नहीं जाए। और यहाँ पे ये अपने दोस्त यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पे मस्त मैंने रोड भी बना रखा है बीच में, यहाँ पे और एक और घर, और वहाँ पे देखो वो टकलू अंकल कॉफ़ी पी रहे हैं, आपको दिखाता हूँ ये कहाँगे वो देखो वो टकलू अंकल कॉफ़ी पी रहे हैं वहाँ पे, और ये अपने यहाँ पे एक और दोस्त खड़ा है, यहाँ पे मस्त आराम से इनके घर हैं, जो इनको घर चाहिए था मैंने दे दिया है। और यहाँ पे अपना एक और बॉडीगार्ड खड़ा है, ये देखो ये वैसे यहाँ पे देखता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कीड़े वीड़े मारता है लगता है मुझे, ये इधर से देखता सिरा है। यहाँ पे अपना एक और हेलीकॉप्टर लैंडिंग का है वहाँ पे, एक ऊपर यहाँ पे था एक यहाँ पे है, तो यहाँ से आराम से अपन उतर सकते हैं। और यहाँ पे भाई सीन देखो भाई कितना शानदार सीन हो रखा है भाई, ये देखो कितना तगड़ा लग रहा है लॉस सेंटोस का भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस भी है, यहाँ से अपन सीधा खोद के अपन पैराशूट में सीधा मिलिट्री बेस जाएंगे, उनको मार मुरा के और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब फुल मज़े अपने। और यहाँ पे अपने वापस दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे चल के अपन को ऊपर से सीन दिखाता हूँ लॉस सेंटोस सिटी का, मेन सिटी है ना उधर का दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है भाई वो। तो अभी आपको दिखाता हूँ फटाफट, ऊपर चलते हैं अपन, अभी चलते हैं यहाँ से। फ्रेंड शिनचैन और उन्होंने भी घर शायद देख लिया होगा, उन्होंने ऊपर से देख लिया था हेलीकॉप्टर में आते वक्त आधे से ज़्यादा, तो उन्होंने देख लिया था। और बेडरूम सारे सेम ही है इसलिए मेरे को आपको दिखाने की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं अपन ऊपर, यहाँ पे अपना बॉडीगार्ड खड़ा ही है गन लेके, और ये यहाँ पे मस्त एकदम ये हमने लगा रखा था कि धूप नहीं आए बॉडीगार्ड को, बॉडीगार्ड के लिए देखो सोचो इतना करते हैं, वैसे बॉडीगार्ड के लिए नहीं है पर ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये देखो भाई व्यू इसका कितना ज़्यादा शानदार है, एकदम बढ़िया सा व्यू दिख रहा है पूरा लॉस सेंटोस का, एकदम पूरे समुद्र तक दिख रहा है। यहाँ से अपन आराम से नीचे कूद के जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, पर अब मैं तो नीचे से जैसे यहाँ से कूद के जाता हूँ सीधा, और किसी भी गाड़ी चुरा के अपन चलते हैं घूमने। तो भाई तुम देख लिया तुमने, अरे हाँ फैंकी भैया यार हमने तो देख लिया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया घर है। अरे हाँ तुम आराम से देखो,
अरे फ्रैंकलिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घर है, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने, मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट टरी है। अरे मैं गिर गया यार तुम्हारी वजह से यार। ठीक है जाओ, जो तुमको करना है मैंने बना किया है तुमको। तो भाई से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप बिल्कुल अगर रोड से देखोगे तो ये इतना सा घर दिखेगा, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है, और पास आओगे थोड़ा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे बोले लग रहे हैं रॉक्स ही रॉक्स, कोई है नहीं, मतलब सिर्फ पत्थर ही पत्थर लगे पड़े हैं। फिर अगर हम जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, फिर आपको धीरे धीरे घर दिखना चालू करेगा। पास जाते जाएंगे जैसे जैसे घर दिखते जाएगा, घास दिखेगी, पूरा हेलीकॉप्टर लैंडिंग दिखेगा, सब दिखने लग जाएगा जैसे पूरा पास आ जाएंगे। मतलब देखो भाई कितना शानदार लग रहा है, एकदम भी मस्त, एकदम भाई कैसे उड़ रहा है ऐसे हवा में मस्त आराम से। और मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हर जगह ना पुलिस वाले मना कर रहे थे, इधर नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, तो मैंने इधर रखा। इधर अपना नीचे अपन ने पूरा एरिया खरीद डाला मैंने, और यहाँ पे अपना ऊपर मस्त आराम से फ्लाइंग हाउस, भाई कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ से सनसेट का व्यू दिखाता हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे बारिश हो रात हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम व्यू देखो लॉस सेंटोस का कितना तगड़ा आता है, चाहे बिना बारिश के भी हो तो बहुत ज़्यादा शानदार आता है, चाहे बर्फ़ हो तो और ही ज़्यादा शानदार होता है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, एकदम मज़ा आ जाता है, एकदम फुल एकदम तगड़ा वाला। तो चलते हैं नीचे यहाँ से, तो अभी हम जा रहा हूँ मैं नीचे, और यहाँ से कूदते हैं आराम से नीचे, जाएंगे एकदम मस्त लैंडिंग करने वाले हैं। ये देखो भाई कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, मतलब यार। तो मैं अभी एक आइलैंड भी खरीदने की सोच रहा हूँ, आप मुझे कमेंट जाके जरूर बताना कि मैं आइलैंड लूं नहीं लूं, और लगी यार मेरे को साले, अब मेरे को हेलीकॉप्टर लेके चल। हाँ तो मैं आपको पूछ रहा था कि आइलैंड का मुझे जरूर कमेंट में बता देना कि आइलैंड अपन ले नहीं ले, बहुत बड़ा आइलैंड लेंगे, मतलब पानी के बीचों बीच होगा, मतलब पानी के अंदर नहीं होगा, पानी के बीचों बीच होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है और बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो कमेंट में जरूर जाके बता देना कि आपको देखना है कि नहीं। और ये मैंने इनका फोड़ दिया, मेरे को गुस्सा आ रहा था भाई, उसने मेरे को मारा कैसे, मरो 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 मरो। तो भाई तुम तीनों को कैसा लगा जल्दी से बता दो घर। ओए मुझे तो ज़्यादा बहुत बढ़िया लगा, एकदम मज़ा आ गया, पर आज तुमने हमको वीडियो में लिया नहीं ज़्यादा। अरे मैं थोड़ा यार घर दिखाने में बिजी था ना यार, बहुत ज़्यादा काम थे आज, इसलिए थोड़ा तुमको लिया नहीं। अरे फैंगन कोई दिक्कत नहीं है, जैक भैया तो बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने हम ये घर देखा बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अरे वेंकी भैया यार मैं तो इधर ही रहूँगा यार, दो तीन दिन बाद आऊँगा यार, अब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घर है यार ये, तो आप तीनों गया से कूद के चले जाओ यार, ये हेलीकॉप्टर भी इधर ही रहने दो यार। चल चल तू रख ले यार, मैं मना तो ना कर रहा हूँ, तीन दिन बाद आ जाइए आराम से, अपन फिर वापस मज़े करेंगे, अपन को आइलैंड भी लेना है एक। ओए तुम आइलैंड लेने वाले हो? अरे हाँ अभी आइलैंड मतलब फिक्स नहीं है, इनसे मैंने पूछा है ये बताएंगे। और यहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ चुके हैं यार, इनको फिर पैसे देने पड़ेंगे, तो इनको पैसे दे दे के परेशान हो गए हूँ, बार बार अगर पैसे लेने आ जाते वरना मारते रहते हैं, ये लो मरो, आज तो पैसे नहीं देने वाला, ये तो तुम मरोगे आज तो, देख लेना ये कहाँ कहाँ गए, ये ले ये गया गया, ये भी गया ये भी गया, ये मर मरता जा मरता जा मरता। तो कैसे आज मुझे पुलिस वाले तो अभी परेशान करते ही रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जाओ यार मरो यार, और मुझे जरूर बता देना कि आइलैंड लूँ कि नहीं लूँ, अगर आप बोलोगे तो ले लूँगा, नहीं बोलोगे तो नहीं लूँगा। और मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि और क्या चीज़ लूँ अगर आइलैंड नहीं लूँ, तो फटाफट से जाके बता दो मुझे, और ये क्या बताऊँ, बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। अरे यार इतनी परेशानी करे जा रहे, जाओ ना यहाँ से, हटो हटो हटो।